वनराज टीटू की कुछ ऐसी सच्चाई के बारे में जानता है जिससे एक बात तो तय है कि यहाँ उसके सामने और उसके पास ऐसा राज जरूर है जिसे खोलने के लिए वो एक मौके का इंतजार कर रहा है। लेकिन क्यों चुप है यहाँ पर अब वनराज? आखिरकार किस मौके के इंतजार में है? क्या है पूरी खबर? चलिए हम आपको बताएंगे टीवी तमाशा पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल आप जानते ही हैं कि जिस तरीके से अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लगातार वनराज टीटू को इस तरीके के हिंट दे रहा है कि टीटू भी ये बात समझ चुका है कि वनराज के पास उसकी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जरूर है जिसका फायदा वो उठाना चाहता है। तो यहाँ अब देखने को मिलेगा कि वनराज डिम्पी को पुलिस स्टेशन लेकर जाने वाला है। यहाँ पर वो उसको पुलिस से मिलवाएगा और टीटू के क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में उसे जानकारी देगा। आप भी सुनकर दंग रह गए होंगे। जी हाँ, टीटू का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है जिसके बारे में अभी तक डिम्पी नहीं जानती थी। लेकिन अब यहाँ पर डिम्पी को भी इस बात का पता चल जाएगा कि टीटू का जो अतीत है उसके बारे में उसने बहुत सारी जानकारी छिपाने की कोशिश की है। तो आपको क्या लगता है कि जब टीटू के अतीत की यही जानकारी सामने आ जाएगी तो क्या अब डिम्पी टीटू के साथ शादी करेगी? टीटू ने अपने पिता को जान से मारने की कोशिश की थी और इसी बात का मुकदमा उस पर चला था और इसी बात को लेकर वो कुछ दिन जेल में भी रहा था। और इसी चीज़ को लेकर अब वनराज टीटू की इसी सच्चाई को डिम्पी के सामने लाने की कोशिश कर रहा है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं। क्या आपको लगता है कि डिम्पी के सामने जब ये सच्चाई आएगी तो क्या डिम्पी अब टीटू के साथ शादी करेगी या नहीं? आप क्या कहेंगे कमेंट ज़रूर करें।